What is the first thing that you would say to her whenever in life you met her? And I hope you can meet her soon. I don't know, I'm getting emotional now. I don't know why. Because you just saw the mother watch it. Yeah. What would you want to say to Sagarika? Just as a mother, I just want to tell her that I feel you and I understand what you went through. Then tell her. Then tell her. Tell her, Rani. Yeah, I'm telling her that. No, but she's here. Tell where? Where is she? She's here. Tell her. Shut up. She's here. No, no. Oh my God. ये पल ऐतिहासिक है और मैं आपसे कहना चाहूँगा क्यों है। बहुत बार हमारे सिनेमा में लाइफ स्टोरीज, ट्रू लाइफ स्टोरीज दर्शाए गए हैं, लेकिन हमेशा जब भी वो इंसान है जो जीवित है, उनकी मुलाकात हमेशा हुई है उस आर्टिस्ट के साथ जिन्होंने वो किरदार निभाया है। ये शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि रानी मुखर्जी ने ये किरदार निभाया है मिसेस चैटर्जी का, लेकिन उन्होंने कभी पर्सनली उनकी मुलाकात सागरिका से नहीं हुई थी। तो यू आर ऑल्सो वेरी क्यूट, डोंट वरी। एंड यहाँ इन दोनों को मिलाना, थैंक यू टू एमए, टू जी। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू ऑल टू क्लैप फॉर सागरिका, शी इज द ट्रू हीरोइन। हाउ शी फॉर फॉर द चिल्ड्रन। सागरिका, आपको जब आपको अपनी जिंदगी की कहानी दिखाई गई तो हमने आपका रिएक्शन देखा, लेकिन आप कुछ कहना चाहोगे कि आपकी वो फीलिंग क्या थी? एक्चुअली मेरे साथ जो हुआ है, एक्चुअली जब मेरे बच्चे को उधर से उठा ले गई थी, जो रिएक्शन रानी मैम ने दिखाया, वो मेरा पुराना याद पूरा वापस आ गया। और सबसे बड़ी बात ये मैं बोलना चाहती हूँ, एक मम्मी के लिए एक बच्चा सब कुछ है, और रानी मैम पूरी तरीके से उसको निभाया, और फिल्म ने जो भी दिखाया गया वो बिल्कुल सही है। और आई डोंट हैव एनी वर्ड्स एक्चुअली, बिकॉज रानी मैम इज़ पोर्ट्रेटिंग माई कैरेक्टर वेरी ब्यूटिफुली, वेरी ब्यूटिफुली। इवन मैंने जब ये फिल्म देख रही थी, मैं इतना इमोशनल हो गई थी, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या बोलूं। मैं उसके अंदर में घुस गई, ऐसे लग रहा है कि मैं दौड़ रही हूँ। और मैं ये जानना चाहूंगा कि आप अभिज्ञान और ऐश्वर्या को, ये फिल्म, आपके जो दोनों बच्चे हैं, आप कब दिखाना चाहोगे? मैं तो दिखाऊंगी, दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि पता नहीं है वो बच्चे भी रोएंगे देखने के बाद। नहीं, हम नहीं चाहते कि वो रोए। इनफैक्ट उनके लिए ये एक वाकई एक बहुत गर्व की बात है कि उनके घर में ऐसी एक माँ है जो आप हैं। आपको बहुत तहे दिल से हम शुक्रिया भी करना चाहते हैं और आपको सम्मानित भी करते हैं, और आपको ये कहना चाहते हैं कि ऐसी माँ हर किसी बेटे को जन्म। थैंक यू करण सर। और मैं रानी से आखिर में ये कहना चाहूंगा कि रानी ने जिस तरह इस किरदार को दर्शाया है, निभाया है, बहुत कम एक्टर्स होते हैं जो आंखों से, दिल से, अपने पूरे जिस्म को उस परफॉर्मेंस में डाल देते हैं। और रानी, जो यू हैव डन, यू जस्ट ब्लू माई माइंड एज ए फिल्म मेकर।